बलरामपुर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, सीएम योगी समेत सभी पदाधिकारियों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। सरयू नहर परियोजना से पूर्वांचल के 9 जिलों के किसानों को मिलेगा सिंचाई में फायदा। बलरामपुर में पीएम मोदी ने 9800 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की दी सौगात। ये पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित होगी। बलरामपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर बोला हमला। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि पर सीएम योगी ने पीएम का स्वागत करते हुए मंच से जनता को किया संबोधित। सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जो काम 44 साल में पूरा नहीं हुआ वो अब पूरा हो रहा है, अब यहां से किसान पलायन नहीं करेगा। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बूथ अध्यक्षों से संवाद, मिशन 2022 के लिए दिया जीत का मंत्र, विपक्ष पर बोला हमला। कोरोना काल में आइसोलेशन में चला गया विपक्ष। दुल्हन की तरह सजा काशी विश्वनाथ धाम, पीएम मोदी के दौरे से पहले भव्य तैयारियां। 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहली झलक। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्कूलों में की गई छुट्टी, पीएम कौशल राज शर्मा ने दिया आदेश। 17 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 7वें राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल, यूपी सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम 14 दिसंबर को जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। सीएम योगी ने दिए धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश, 72 घंटे में 2500 करोड़ का हुआ भुगतान, किसानों के खाते में पहुंचाए गए 2500 करोड़ रुपए। यूपी सरकार का आधी आबादी के लिए अहम कदम, गांवों में बिजली बिल वितरण और वसूली करेंगी महिलाएं, महिलाओं को नाम दिया गया विद्युत सखी। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का मानक तय, यूपी के 68 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन, 20 दिसंबर के बाद वितरण की है तैयारी। योगी सरकार की यूपी में 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हो सकती है घोषणा। गरीबों को मुफ्त में दोगुना राशन देगी योगी सरकार, 12 दिसंबर को होगी योजना की शुरुआत, 80,000 दुकानों पर होगा राशन वितरण कार्यक्रम। शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 602 नवविवाहित जोड़ों को मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया आशीर्वाद। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 126 जोड़ों को सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने दिया आशीर्वाद। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 500 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न, नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनवरी में होगा अयोध्या एयरपोर्ट का शिलान्यास, एयरपोर्ट निर्माण के लिए 351 एकड़ भूमि का हुआ है अधिग्रहण। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे कल एसपी में होंगे शामिल, हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे बीएसपी से हुए थे निष्कासित। गाजीपुर बॉर्डर से निकला किसानों का पहला जत्था, राकेश टिकैत ने हरी झंडी दिखाकर किसानों को रवाना किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा आज दिल्ली बॉर्डर से किसानों की वापसी शुरू होगी, 3-4 दिन में घर लौट जाएंगे किसान। आंदोलन खत्म करने के बाद देशभक्ति गीतों पर नाचे किसान, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जश्न। दिल्ली बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने मनाया विजय दिवस, डीजे की धुन पर डांस करके झूमते नजर आए आंदोलनकारी किसान। एक साल बाद दिल्ली वासियों को मिलेगी राहत, बंधक मुक्त होंगे दिल्ली के सभी बॉर्डर। आज से किसानों का आंदोलन खत्म, उखड़ने लगे किसानों के तंबू, 378 दिन बाद खुलने लगे बॉर्डर। आज सिंघू और टिकरी बॉर्डर से एक साथ वापसी कर रहे हैं किसान, दिल्ली से पंजाब तक निकालेंगे फतेह मार्च, पंजाब के 32 जत्थेबंदी करेंगे वापसी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, विदेश से कल लौटे 373 यात्री नोएडा ग्रेटर नोएडा पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग ने सभी की ट्रैकिंग शुरू की। सीतापुर में दिल दला देने वाली वारदात, कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से मां की हत्या की, शराब के लिए पैसे न देने पर हत्या। एटा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी आशा वर्कर्स के साथ शराबियों ने किया अभद्रता, पिछले 11 दिन से कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी हैं आशा वर्कर्स। बदायूं में तेज रफ्तार बाइक सवार बैलगाड़ी से टकराए, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, बैलगाड़ी सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आजमगढ़ में दंपति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंधों के चलते बहू ने कराई थी हत्या, ससुर की नौकरी पति को दिलाकर पति की भी हत्या की थी साजिश। बिजनौर में पुलिस ने किया तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, तमंचा बनाने का सामान किया बरामद। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नोएडा अथॉरिटी सक्रिय, प्राधिकरण के अफसरों ने इंदिरा गांधी कला केंद्र में कार्यशाला का किया आयोजन।
सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान को झूठे केस में फंसाने के लिए महिला ने रची साजिश। अपने दो बच्चों के अपहरण की पुलिस को दी जानकारी। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज के सोरो सुकर क्षेत्र के 22 वार्ड बने तीर्थस्थल। योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना। अंडा शराब और मांस की बिक्री पर लगी रोक। वाराणसी में ललिता घाट कॉरिडोर परिसर में दशाश्वमेध घाट तक चला स्वच्छता अभियान। नमामि गंगे काशी क्षेत्र संयोजक के नेतृत्व में चला अभियान। संभल में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने ठोकी ताल। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मंत्रियों के खिलाफ उतारे जाएंगे उम्मीदवार। बांदा में चार पहिया वाहन का हेलमेट चालान। कोर्ट ने ट्रैफिक इंचार्ज को किया तलब। मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार ने दर्जनों को कुचला। हादसा सीसीटीवी में कैद। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बिजनौर में मंदिर के पुजारी की धारदार हथियार से की गई हत्या। एसपी ने घटनास्थल का किया जायजा। हत्या का कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। जौनपुर में ग्रामीणों ने लखनऊ वाराणसी हाईवे पर लगाया जाम। मृतक महिला के साथ जताई रेप की आशंका। कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। फिरोजाबाद में डेंगू पीड़ित छात्र का पंखे से लटकता मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर का रहने वाला था छात्र। मथुरा में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत और दो जख्मी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कन्नौज में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। कई असलहे और उपकरण बरामद। दो अभियुक्त मौके से गिरफ्तार। औरैया में अपराधी के साथ फोटो लेना पड़ा महंगा। चार सिपाही सस्पेंड। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में जलती चिता से निकाला नवविवाहिता का शव। बगैर परिजनों को सूचना दिए कर रहे थे अंतिम संस्कार। परिजनों की शिकायत पर ससुराल के लोगों पर मामला दर्ज। नकली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को यूपी एसटीएफ ने केरल से गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है तस्कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी कार्रवाई। पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट को किया सस्पेंड। सीएम ऑफिस की जानकारी के बिना एसपी को लिखी थी चिट्ठी। उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन सदन में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। देहरादून में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड। परेड में 387 कैडेट्स ने लिया हिस्सा। भारतीय आर्मी को मिले 319 युवा सैन्य अधिकारी। जबकि अफगानिस्तान नेपाल भूटान समेत 8 मित्र देशों को मिला 78 युवा सैन्य अधिकारी। आईएमए के पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की शिरकत। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर मौजूद रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,992 नए केस आए सामने। 393 मरीजों की हुई मौत। एमपी छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटे में एमपी में 15 नए केस। वहीं छत्तीसगढ़ से 32 नए केस आए सामने। दिल्ली में सामने आया नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा केस। जिम्बाब्वे से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों का अब होगा जीनोम टेस्ट। विदेश से आने वालों का टेस्ट हुआ अनिवार्य। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई मुंबई की चिंता। आज और कल पूरे शहर में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 17 नए केस। ओमिक्रॉन पर आज कैबिनेट सचिव की बैठक। नीति आयोग के सदस्य भी होंगे शामिल। बूस्टर और अतिरिक्त डोज को लेकर होगी चर्चा। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में फिर आया उछाल। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर भी हुए कोरोना संक्रमित। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। बांदीपोरा आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर जमकर फायरिंग। पीएसओ और ड्राइवर शहीद। बांदीपोरा में रोती बिलखती शहीद की बेटी का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा आतंकियों को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। पिनाका ईआर रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण। नई जरूरतों को पूरा करेगा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ड्रैगन फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भूटान सीमा के पास चीन बना रहा है नया गांव। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ आई नजर। भूटान सीमा के पास साइबुरू क्षेत्र में 39 दो मंजिला कंस्ट्रक्शन दिखाई दिए और जिनमें से 27 पूरी तरह से बने हुए दिखे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की तैयारी। कल जयपुर में जुटेंगे देश भर के कांग्रेस नेता। रैली सफल बनाने के लिए सीएम गहलोत ने उतारी मंत्रियों की टीम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। घोषणा पत्र के साथ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी। एमपी में आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र को सौंपी गई इंदौर पुलिस की कमान।
एमपी के रायसेन में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। सड़क निर्माण के दौरान खोदे गए थे गड्ढे, नहाने के दौरान हुआ हादसा। एमपी के डिंडोरी में स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को सलाम। नाव से नर्मदा नदी पार कर पहुंचे पथरी उड़ान गांव, 85 में से 79 लोगों को लगाई वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। परिवार ने राजनीतिक हत्या का लगाया आरोप। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। पार्टी ने मैदान में उतारी 100 सांसदों की टीम। अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। 200 करोड़ वसूली केस में ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को फिर भेजा नोटिस। आज पूछताछ के लिए आने को कहा। जैकलीन को ईडी अब तक 5 बार भेज चुकी है समन। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल। 16 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर फिर हड़ताल की चेतावनी। झारखंड के हजारीबाग दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार के जमुई में देर रात खलिहान में लगी भीषण आग, लाखों का धान जलकर हुआ खाक। बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना। बिहार में ट्रेनों के परिचालन पर दिखने लगा कोहरे का कहर। फरक्का और ब्रह्मपुत्र मेल समेत कई ट्रेनें कैंसिल, घने कोहरे से काफी कम हुई विजिबिलिटी। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परिसीमन और आरक्षण को लेकर दायर की गई थी याचिका। औरंगाबाद में सरसों तेल से भरा टैंकर लीक, आसपास के लोगों में तेल लूटने की मची होड़। कोई बाल्टी तो कोई डब्बा भरकर ले गया तेल। धनबाद में झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के बॉडीगार्ड ने कर दी ग्रामीण की पिटाई। सीओ से मिलने नहीं देने पर हुआ हंगामा, घटना से नाराज लोग धरने पर बैठे। झारखंड में आरजेडी घोषित कर सकती है जल्द ही अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। करीब 1 महीने से खाली पड़ा है पद। लालू यादव पर टिकी सबकी निगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पत्र। प्रदेश में किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद मुहैया कराने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में स्वर्ण आयोग को लेकर दी मंजूरी। कहा, विधानसभा के आगामी बजट सत्र में स्वर्ण आयोग को लेकर लाएंगे एक्ट। फिलीपींस और लेबनान की खिलाड़ियों से टक्कर लेगी एमपी के मुरैना की बेटी। पावर एशियन लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ईशा सिंह का चयन। तुर्की में करेंगी शक्ति प्रदर्शन। अक्टूबर के महीने में भारत के औद्योगिक उत्पादन में हुई 3.2% की बढ़ोतरी। आज मेंटेनेंस के काम के चलते एसबीआई की सेवाएं रहेंगी बाधित। 50,000 तक पीएम मुद्रा योजना लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट, आरबीआई ने दी जानकारी। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाए जाने पर भड़के मदन लाल। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल बोले, विराट कोहली को वनडे की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने कोहली को अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया। बाबर आजम की कप्तानी से गदगद ईसीबी चीफ रमीज राजा बोले, पाक का शानदार खेल जारी रहेगा। रवि शास्त्री ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो कोच बने। दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का आज 99वां जन्मदिन। विकी के भाई सनी कौशल ने कटरीना के लिए लिखा दिल को छू देने वाला पोस्ट। लिखा, आज दिल में एक और इंसान की जगह बन गई है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने की पुष्टि, कटरीना विकी होंगे उनके नए पड़ोसी। नुसरत जहां पहली बार यश दास गुप्ता के साथ बोल्ड अंदाज में नजर आई।